जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। तो अभी हम बात करने वाले इंडियन नेवी एमआर म्यूजिशियन के बारे में। दोस्तों फाइनली म्यूजिशियन की जो भर्ती है दोस्तों वो रिलीज़ हो चुकी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एमआर म्यूजिशियन का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों उसे कैसे बनवाना है। बहुत सारे कैंडिडेट का यही सवाल था, फाइनली ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा, ठीक ना। और इस वीडियो में आप लोग जान जाओगे और आप लोग अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो। अभी मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल है जो आप लोगों को फेक वीडियो दे रहे हैं कि सर्टिफिकेट दो मिनट में बना लें और कुछ जो होते डिटेल फिलअप करने होते हैं और डिटेल फिलअप करने के बाद दो मिनट में आप लोगों के जीमेल पे जो आ जाते हैं एक सर्टिफिकेट और बोलते हैं कि आप लोगों का सर्टिफिकेट बन जाता है, वो बिल्कुल फेक सर्टिफिकेट है दोस्तों। उस सर्टिफिकेट को लेकर भी मत जाना भूल से, ठीक ना। अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाता है, ऐसे एडमिट कार्ड उस सर्टिफिकेट से नहीं आने वाला है, पहले ही बता रहा हूँ। और उस सर्टिफिकेट को फॉर्म फिलअप करते समय अगर मांग रहा है सर्टिफिकेट तो आप लोग देना भी मत, मैं आप लोग से बोल, तो प्लीज उस वीडियो को इग्नोर कीजिए। बहुत सारे फेक वीडियो इस पे बन रहे हैं, इस पे आप लोगों को पूरा डिटेल में अच्छे से नॉलेज दूंगा, उसी सर्टिफिकेट को आप लोग बनवाना है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कि सर्टिफिकेट तो बनवाना है दोस्तों, क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं होते, मेंस जो होता है दोस्तों सर्टिफिकेट होते हैं। और बस यहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है म्यूजिक का, बस आप लोगों का काम हो जाता है। लेकिन उससे ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपको दोस्तों वो चीज आप लोगों को सीखना होगा जिसका आप लोग दोस्तों सर्टिफिकेट बनवा रहे हो। सबसे मेन जो होते ना काम वो होते हैं यही चीज। अब देखो आपके अंदर म्यूजिक का एबिलिटी नहीं होगा तो आप लोग ये नेवी एमआर म्यूजिशियन की जॉब है वो नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। तो सबसे पहले जिस चीज का आप लोग सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपके पास अभी टाइम है, आप लोग सीख लो, क्योंकि सितंबर में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, अभी सीख लोगे, सितंबर में एग्जाम होगा, वहाँ पर एग्जाम में आप लोगों को कुछ भी नहीं होता है लिखित परीक्षा, बस म्यूजिक का टेस्ट होता है जिसमें आप लोगों का म्यूजिक का ट्रायल लिया जाएगा और उसमें जो भी चीज़ आप लोग बजाते हो, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, बस उसको भी देखा जाएगा कि आपके जो फॉर्म फिलअप होंगे उसमें दिख जाएगा कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो। और उससे आप लोग को क्या होगा दोस्तों, उनको बजा कर दिखाना होगा, ठीक। अगर बजा कर दिखाते हो, अगर सही में अच्छे प्ले कर लेते हो वो इंस्ट्रूमेंट को, तो आप लोग को वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा। तो इस बात को आप लोग याद, सिर्फ सर्टिफिकेट बनवाना ही मेन मुद्दा नहीं होता है, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उस चीज को आप लोग को सीखना भी होगा सबसे पहला बार, ठीक। चलिए आप लोग को बताते हैं कि कौन कौन से चीज का आप लोग सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक ना, नेवी एमआर म्यूजिशियन के लिए, ठीक। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं पूरा डिटेल में और कैसे करके आप लोग बनवा सकते हो। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है एमआर म्यूजिशियन के लिए, यहाँ पे देख रहे हो 2/2021 बैच के लिए, जो अनमेरिड मेल होंगे वही इस फॉर्म को क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाई करने वाले हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो वैकेंसी है मात्र 33 वैकेंसी, और आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा 10th के परसेंटेज भी आने वाला है। जिनका भी 10th में अच्छे खासे परसेंटेज होंगे उन्हीं का एडमिट कार्ड आएंगे। अब ऐसा नहीं कि जिनका 10th में कम परसेंटेज, जैसे कि 50, 55, 60% वाले, उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 55% वालों का भी पिछले बार 2019 में आया था वैकेंसी एमआर म्यूजिशियन का, तो आया था क्योंकि उस टाइम जो पेपर थे ऑनलाइन थे शायद से, ठीक ना। लेकिन इस बार जो है ऑफलाइन कर दिए, तो सिर्फ 300 कैंडिडेट को ही बुला रहे हैं, तो थोड़ा परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है। तो मान लो कि 60 से 70% वाले कैंडिडेट को आराम से एडमिट कार्ड आ जाएगा, बल्कि उनका सर्टिफिकेट बिल्कुल सही होना चाहिए और सर्टिफिकेट के साथ साथ जो चीज का सर्टिफिकेट बनवाए हैं वो उनके पास अच्छी तरह से बजाना आना चाहिए। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है एमआर म्यूजिशियन के अंदर, आप लोगों को कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग डिटेल में देखिएगा क्या है यहां पर। सबसे पहले म्यूजिक एबिलिटी के अंदर आप लोगों को पूरा चीज बताया गया, ठीक ना, कि किस चीज की आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को अंदर म्यूजिक एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक ना, म्यूजिकल एबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके आप लोगों को होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन एरल एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक विद एक्यूरेसी इन टेम्पो पीच एंड सिंगिंग वन कंप्लीट सॉन्ग, शुड ऑल्सो हैव एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन और फॉरिजन ओरिजन विथ प्रोफिशियंसी इन ट्यूनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैचिंग अ नॉन नोट्स विथ इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर्ड पीस साइट रीडिंग ऑफ इंडियन क्लासिकल टेबुलेटर स्टाफ नोटेशन परफॉर्मेंस और स्केल रागा ताला एंड बेसिक थ्योरी ऑफ इंडियन और इंटरनेशनल म्यूजिक।
तो दोस्तों आप लोग समझिएगा कि म्यूज़िक एबिलिटी में जो होगा ना दोस्तों, आप लोगों को क्या क्या यहाँ पर होगा, वो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो है टेम्पो हो गया, पीच हो गया, और एक कंप्लीट सॉन्ग में आप लोगों को दोस्तों पूरा गाने को गाने में एकदम अच्छे से आना चाहिए, पूरा दक्षता होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग को होना ज़रूरी है म्यूज़िक एबिलिटी में। कोई भी चीज़ को आप लोग गाओगे यहाँ पर या सुनाओगे तो उसमें आप लोग को पूरे अच्छे तरह से क्या होनी चाहिए दोस्तों, दक्षता होनी चाहिए। आगे यहाँ पे दोस्तों जो बोले गए हैं यहां पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात है, ठीक ना दोस्तों। इसमें है कि विदेशी मतलब कि जितने भी मतलब कि हो गए विदेशी मतलब हो गए, उसके बाद मतलब विदेशी मतलब कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, इंडियन जो भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, वो चीज़ जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस करने चाहिए, जो कि आप लोगों को स्केल हो गया या रागा हो गया, ताला हो गया, या बेसिक थ्योरी हो गया इंडियन या इंटरनेशनल म्यूजिक का, वो चीज़ आप लोगों को आना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग का राग जो है कहीं और है, स्केल कोई और बोला गाने के लिए, आप किसी और स्केल में गा रहे हो तो वहाँ पर आप लोग सिलेक्शन मतलब कि रुक जाएगा। तो इसका मतलब साफ साफ कहना का मतलब है कि म्यूजिक में आप लोगों को पूरी तरह से दक्षता होनी चाहिए, म्यूजिक की पूरी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अगर वहां पे आप लोग कोई ट्रम्पलेट बजा रहे हो, ठीक ना, ट्रम्पलेट का सर्टिफिकेट बना के गए और ट्रम्पलेट को बोलेगा कि आप लोग चलो मतलब कि सी स्केल में गा के दिखाओ, तो आप लोग को सी स्केल में गाकर दिखाना पड़ेगा। तो वो सब कुछ आप लोग म्यूजिक के जानकार हो गए, ठीक ना, तो आप लोगों को पता होगा। बाकी बात म्यूजिक के जानकार नहीं होगा तो सी स्केल क्या होता है, ठीक ना, ये सब कुछ राग क्या होता है, ताला क्या होता है, ये कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो म्यूजिक वाले आप लोग समझ गया हो कि आप लोग को ये चीज आना चाहिए, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज यहां पर है कि टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड, तो किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आप लोग के पास दोस्तों जो हैं वो बजाने होंगे या दिखाने होंगे, ठीक ना, सबसे पहला बात। अब देखो कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे वो बोल रहे होंगे कि सर मेरे पास जो है वोकल का मतलब कि सर्टिफिकेट है जिसमें हम जाके सर गाना सुना सकते, तो वहाँ पर आप लोग को गाना नहीं सुनाया जाएगा, वहाँ पर गाना का टेस्ट नहीं होता है, वहाँ पर आप लोग सुनोगे कि म्यूज़िक जाके मैं उनको सुनाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो। उनको एक कोई इंस्ट्रूमेंट बजा कर दिखाना होगा, वो यहाँ पे आप लोग को दे दिए इसमें, ठीक ना, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन से इंस्ट्रूमेंट आप लोग को होगा, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बाइंड इंस्ट्रूमेंट हो गया, और यहाँ पर देख रहे हो और में लगा के एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन और फ्रोजन ऑरिजिन, ठीक ना। मतलब कि आप लोग को कौन कौन से लगेंगे, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट, कीवर्ड आता है बजाने तो वो बजा के दिखा दो उनको, स्ट्रिंग आता है तो स्ट्रिंग बजा के दिखा दो, वाइन इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे होते हैं वो आप लोग बजा के दिखा दो, या ये सब बजाने नहीं आता है, एंड एनी अदर कोई आता है इंस्ट्रूमेंट बजाने तो वो भी आप लोग बजा के दिखा सकते हो, वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट ही क्यों ना हो या विदेशी इंस्ट्रूमेंट ही क्यों ना हो। उसके साथ साथ यहाँ पर देख रहे हो कि विथ एक्सपर्टाइज ऑन वन और मोर इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि इसके साथ ही साथ आप लोग को एक और इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए, ऐसे कि एक ही की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बहुत ऐसे कैंडिडेट होते बोलते कि हमें गिटार से हो जाएगा काम, जैसे कि बोलेंगे गिटार, लेकिन इसमें गिटार लिखा हुआ नहीं है, ठीक ना, बोलेंगे गिटार से काम चल जाएगा क्योंकि मैं गिटार प्ले करता हूँ, मेरे पास गिटार का सर्टिफिकेट है, तो आप गिटार से जा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा है और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडियन या कोई मतलब कि जो और अदर है मतलब वो, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग गिटार से भी जा सकते हो, लेकिन उसके अलावा एक और कोई भी आप लोग यहाँ पे सीख सकते हो क्या चीज़, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट बजाना। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैंडिडेट परफॉर्मेंसिंग ऑन इंडिफिनाइट पीच इंस्ट्रूमेंट सच एज, आप लोग यहाँ पर देख लो जाज ड्रम सेट या बास ड्रम या स्नेयर ड्रम या साइड ड्रम या काइम्बल्स या नॉन क्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट सच एज, यहाँ पर देख रहे हो कि बिगुल और मोनोटोन इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोड्यूस ओनली वन नोट और ड्रोन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर बिगुल हो गया, मोनोटोन हो गया, ये जो है इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही नोट को क्या करते हैं और एक ही ड्रोन को उत्पाद करते हैं, ठीक ना, मतलब निकालते हैं, तो इसलिए इसको एलिजिबल नहीं करें। मतलब कि जो भी बिगुल सोच रहे हो कि बिगुल बजा के हम एंट्री ले लें उसके अंदर, तो आप लोगों को नहीं होगा, बिगुल के सर्टिफिकेट या मोनोटोन के सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट से आप लोगों का काम नहीं चलेगा, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया। उसके आप लोगों को जो चलेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये सब आप लोग को आएगा बजाने, जैसे जाज ड्रम हो गया ये सब, तो ये सब पे आप लोग को साइड ड्रम, काइम्बल, नॉन स्ट्रमिक इंस्ट्रूमेंट, तो ये सब आप बजाओगे तो चलेगा, ठीक ना। लेकिन आप लोग को विगुल ये सब से आप लोग का काम नहीं बनने वाला, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रही होगी दोस्तों, जैसे कि आप लोग नेवी के कोई भी इवेंट चलता है या कोई भी आर्मी का इवेंट चलता है तो उसमें आप लोग देख रहे होगे, जैसे बैंड देखते हो ना बैंड वाला का, तो बैंड वाला का देखते होगे कि ट्रम्पलेट होता है, बाजा होता है ऐसे करके, तो वैसा में से एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लोग बजाना सीख लो, ठीक है। जैसे ट्रम्पलेट ही बजाना सीख लो, सबसे मतलब
अच्छा है ट्रम्पलेट बजाना सीख लो, ऐसे करके डिज़ाइन होता है बाजा का, ठीक ना। आप लोग यहाँ पे ऐसे करके मुंह में लगा के फूकते हैं, फूक करके जो बजाना होता है सेम टू सेम नेवी में जो ट्रायल होते हैं ना सेम टू सेम उसका भी वही चीज़ होगा दोस्तों, ठीक ना, वही ट्रायल में आप लोग को देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो आप लोग कोई भी अगर उसके बाद जैसे हो गया तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, या किसी चीज़ का आप लोग के पास बांसुरी हो गया, कोई भी चीज़ का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लोग दोस्तों मतलब कि वहाँ पर जाकर ट्रायल दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक का बोला है कि एक कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बाकी बात दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी एक सीख लेना बजाना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। बाकी बात दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं बजवाते हैं, एक ही इंस्ट्रूमेंट से काम चल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जो गिटार प्ले करते हो भाई या कुछ भी प्ले करते हो उनको लिए शायद से एक और कुछ भी सीखना होगा, जैसे कि यहाँ पर जो दिया ना ये तीन में से कोई और, कोई तीन में से देख लेना, कोई और एक बजाना सीख लेना कुछ भी, ठीक है। बाकी बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक भी सीखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जाके आप लोग ट्रायल हो जाएगा, बस सर्टिफिकेट जाइए। अब बात करोगे सर आप तो ये बस डिटेल दिए जा रहे हो, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है, मैं बताऊंगा कि सर्टिफिकेट भी कैसे बनवाओगे। देखिए म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आ चुके हम अपने मेन मुद्दे पर कि सर्टिफिकेट को हमें कैसे बनाना है, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पर हम आ चुके हैं सर्टिफिकेट को कैसे बनवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को देखिए, सबसे पहला जो है दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहला मैं कहता है कि आपके पास विंड इंस्ट्रूमेंट पर हिंदुस्तानी या कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संगीत संस्थान या प्रतिष्ठित संगठन से संगीत अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। पहला का ये कह रहा है कि आपके पास हिंदुस्तानी या कर्नाटिकल क्लासिकल म्यूजिक ऑन वाइंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना तो वाइंड इंस्ट्रूमेंट पर जो होनी चाहिए आप लोग का, जो हिंदुस्तानी हो गया या कर्नाटिकल हो गया उसको बजाने के लिए, ठीक ना, उसका आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा। आप देखो वाइंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आप लोग देख लेना यूट्यूब पे सर्च करके, जिसमें आप लोग को ट्रम्पलेट हो गया ये सब बजाने वाला होता है, ठीक ना। तो ये सब का आपके पास म्यूजिक सीखना होगा, ये नहीं कि यहाँ पर आप लोग को जाके गाना गाना है, आप लोग को एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए तभी जाके आप लोग कर पाओगे ट्रायल को पास, नहीं तो घर वापस आ जाना, ठीक, इस बात को आप याद रखना। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कर्नाटिकल हो गया या हिंदुस्तानी म्यूजिक आप लोग बजा सकते हो किससे, वाइन इंस्ट्रूमेंट पर, ठीक है। दूसरा जो है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, अभी बताता हूँ कहाँ से बनेगा। उसका दूसरा है जो दोस्तों कम से कम आप लोगों को यहाँ पर देखिए मिनिमम जो आप लोगों को होनी चाहिए सर्टिफिकेट वो इनिशियल ग्रेड के कहाँ का होना चाहिए, इंटरनेशनल बोर्ड, जैसे कि हो गया ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूज़िक हो गया, लंदन और रॉयल स्कूल ऑफ म्यूज़िक हो गया, ठीक ना। तो यहाँ का दोस्तों आप लोग के पास क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय बोर्डों से न्यूनतम ग्रेड का प्रमाण पत्र आप लोग का होना चाहिए, ठीक ना। क्या होगा वेस्टर्न नंबर पर प्रदर्शन करेंगे जो भी, मतलब कि जो भी वेस्टर्न नोटेशन पर, जो भी वेस्टर्न नोटेशन पर क्या करेंगे म्यूजिक को गाकर उनको दिखाएंगे, ठीक ना। तो उनको क्या करना होगा ये चीज आप लोग को दिखाना होगा, ठीक ना। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं वेस्टर्न नोटेशन और वेस्टर्न म्यूजिक ऑन बाइंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना। तो जो भी चीज आप लोग होता है ना दोस्तों ज्यादातर बाइंड इंस्ट्रूमेंट पर ही मतलब कि आप लोग का ट्रायल होता है, तो आप लोग के लिए बेहतर यही होगा कि बाइंड इंस्ट्रूमेंट में जो भी चीज आते हैं ना उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा दोस्तों मतलब बजाना सीख लीजिएगा। अब अगर बाइंड इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख लेते हो तो आप लोग का ट्रायल कोई नहीं रोकेगा, जैसे कि हो गया ट्रम्पलेट उसके अंदर आता है और भी दो तीन आते हैं ऐसे करके, मतलब बड़ा बड़ा वाला क्या क्या नाम उसका है, ठीक ना। तो वो बजाना सीख लोगे तो आप लोग का ट्रायल पास हो जाओगे और आप लोग को जॉब मिल जाएगा, वो भी एग्जाम नहीं देना है दोस्तों। यहाँ पर तीसरा जो है आप लोगों को देखिए, अदर कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेंट अवार्ड प्रेजेंटेड एट वेरियस इवेंट, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अन्य उम्मीदवारों के लिए विभिन्न आयोजनों, ठीक ना, में प्रस्तुत किए गए भागीदारी पुरस्कारों का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अब देखिए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको मिलते हैं, जैसे कोई जाके तबला बजाता है तबला में पार्टिसिपेट करता है, कोई अपना जो हारमोनियम बजा कर दिखाता है, तो कोई मतलब कि ट्रम्पलेट बजा के दिखाता है, तो ये सब बजा के दिखाता है ना, तो उनके पास मतलब कि पार्टिसिपेट करते तो उनको प्रेजेंट करने के लिए अवार्ड मिलता है या कोई सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है वहाँ पर, तो वो भी चीज़ें आपके पास तो काम चल जाएगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि इन सभी सर्टिफिकेट में से कोई भी आप लोगों के पास है एबीसी में से कोई है तो आप लोग इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। लेकिन मेन मुद्दा था कि सर मेरे पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, सबसे पहला बात। अब देखो कि पहला बात जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है यार तुम बनवा लोगे, लेकिन दूसरा बात है कि आप लोग के पास म्यूजिक का ज्ञान नहीं होगा, ऐसे ही छटके आ जाओगे घर वापस, ठीक, सबसे पहला बात। तो आप सर्टिफिकेट बनवा ले हो तो आपके पास म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, सबसे पहला बात, ठीक ना। और बहुत सारे फेक यूट्यूबर बना के आप लोग को बता रहे फेक सर्टिफिकेट की कैसे बनाए दो मिनट में, उस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा।
वो लेके जाओगे, आपको लात भी पड़ेगा, मार भी पड़ेगा अच्छे से, और आपको हो सकता है कि जेल भी हो जाए, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जा रहे हो इसलिए, ठीक। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप लोग को बहुत सारे दलाल आप लोग को मिल रहे होंगे कि मैं बना दूंगा 2000 में मुझे दो, 3000 मुझे दो, 4000 मैं बना दूंगा, लेकिन वो सब आप लोग से पैसा ठगेंगे। सबसे पहले देखिए, सर्टिफिकेट उन्हीं के पास होगा जो सीखे होंगे, जो कोई एक एकेडमी पकड़े होंगे शुरू से ही, और उनके पास म्यूजिक का ज्ञान होगा। इसका एग्जाम होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश वाला हो गया, जैसे कि यहाँ पर मिनिमम इनिशियल ग्रेड वाला बोला इंटरनेशनल बोर्ड के लिए, इसके एग्जाम होते हैं, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक होता है, इसमें आप लोग का एग्जाम चलता है दोस्तों। एग्जाम पास करने के बाद आप लोग को सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसे ही इस सब का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। कोई बोलेगा कि मैं इसका ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक का मैं सर्टिफिकेट आपको बना के दे रहा हूँ, या लंडन वाइड ऑफ स्कूल कॉलेज ऑफ म्यूजिक का इसको सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, तो वो फेक बोल रहा है, ठीक ना। क्योंकि इस समय भाई मतलब कि आप लोग को क्लास लेना होगा, आप लोग को एग्जाम पास करना होता है, तभी जाके इसमें सर्टिफिकेट आप लोग को मिलते हैं, सबसे पहला बात। तो अब बात आती है कि हमारे पास तो सर्टिफिकेट बनेगा कैसे। देखो सबसे पहला बात कि जो भी चीज का आप सीख रहे हो बजाना, सबसे पहले उसका सर्टिफिकेट बनवा लो। अब सर्टिफिकेट बनेगा कैसे, जैसे कि आप लोग जिस भी स्टेट से हो वहां पे दोस्तों एकेडमी होता है म्यूजिक का, ठीक है ना, म्यूजिक का एकेडमी होता है। अब म्यूजिक का तो एकेडमी होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे म्यूजिक एकेडमी होते हैं जिनका कि कुछ भी नहीं होता है, ऐसे नाम के म्यूजिक एकेडमी खोले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे म्यूजिक एकेडमी होते हैं जो कि बहुत नामी म्यूजिक एकेडमी होते हैं अपने एरिया के, और वहां पे दोस्तों वो पार्टिसिपेट करवाते हैं बहुत बड़े बड़े मतलब कि फंक्शन में, जैसे कि हो गया इंडियन आइडल में भेजते हैं, या कोई भी फंक्शन होते हैं बड़े बड़े वहां पे, तो उनके पास दोस्तों उन जो भी म्यूजिक वाले से जाना ना, तो म्यूजिक वाले के पास क्या होता है, म्यूजिक का सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो सबसे पहले उनका पहले देखना कि रजिस्ट्रेशन आईडी है या नहीं है। तो उनके पास रजिस्ट्रेशन आईडी होना चाहिए, ठीक ना, वो उनको मान्यता मिला होना चाहिए, ठीक ना, जो भी म्यूजिक है उसके द्वारा, मतलब कि जो भारत सरकार के जो कला और वो चीज़ के द्वारा उनको मान्यता मिलनी होनी चाहिए, इनके संस्थान को अगर मान्यता मिली हुई है तो वहाँ से सर्टिफिकेट मतलब कि बनवा लेते हो कुछ पैसा देकर, तो आप लोग का काम हो जाएगा सबसे पहला बार, ठीक ना। तो आप लोग का म्यूजिक का सर्टिफिकेट कब कैसे दोस्तों, आप लोग को वहां जाकर आप लोग को अपने नजदीकी जो भी म्यूजिकल मतलब कि म्यूजिक का एकेडमी है या संस्थान है जहां पर म्यूजिक सिखाया जाता है, सबसे पहले वहां संपर्क करो। दूसरा कोई भी ऑनलाइन कुछ भी करके सर्टिफिकेट नहीं बनते, वो फेक आप लोग को बता रहे, ठीक ना। तो वहां पर जाओगे, वहां पर जाने के बाद आप लोग को वो भी मना करेंगे कि भाई मैं नहीं बना के दूंगा, मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि आपके पास गाने नहीं आता, आपको गाना सीखना होगा तब जाके दूंगा, वो लोग ऐसे ही बोलेंगे आप लोग को, मुझे पता है, लेकिन कुछ पैसा दोगे तो वो भी बनाकर दे देते हैं, लेकिन बनाकर दे भी देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को सीखना होगा तभी जाके आप लोग ट्रायल पास हो गए। 33 पोस्ट है भाई, 300 कैंडिडेट को ही बुला रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कितना टफ होने वाला है। जिसका म्यूजिक एबिलिटी सबसे बेस्ट होगा उसी को होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले तो आप लोग सीखे होगे, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, ठीक ना, या आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में भी आता है म्यूजिक का पार्टिसिपेट करने के लिए, या म्यूजिक आप लोग सीख रहे हो यूनिवर्सिटी से, म्यूजिक का आप लोग का ले रखे हो सब्जेक्ट, तो उसमें का भी आप लोग का सर्टिफिकेट होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी का भी सर्टिफिकेट होगा तो उससे काम आप लोग को चल जाने वाला है, कोई दिक्कत का सीन नहीं होगा, ठीक ना, बस आप लोगों को वहां पर प्ले करना है। तो सर्टिफिकेट कैसे बनवाने, आप लोग अपने नजदीकी जो भी एकेडमी होंगे या यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़े हो, तो यूनिवर्सिटी से अगर म्यूजिक में पार्टिसिपेट हो तो उस सर्टिफिकेट को लेना है। उस सर्टिफिकेट का आप लोग को रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसमें फोन नंबर होना चाहिए, और वहां पर लिखा होगा म्यूजिक सर्टिफिकेट लिखा होगा, जिस चीज का सर्टिफिकेट होगा उसमें आप लोग का नाम लिखा होगा, पापा का नाम लिखा होगा, और लिखा होगा कि आप लोग तबला में क्यों, तो तबला होगा लिखा, हारमोनियम तो हारमोनियम, ऐसे वाइन इंस्ट्रूमेंट में ट्रम्पलेट हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं तो वो चीज ड्रम हो गए तो ड्रम, ब्रास ड्रम हो गए तो वो चीज आप लोग को यहाँ पर दोस्तों मतलब कि लिख दिया जाएगा। और सर्टिफिकेट में जो भी आप लोग के जो होंगे वहाँ पर म्यूजिक के जो होंगे मतलब प्रोफेसर या कुछ भी होंगे जो, वो आप लोग को यहाँ पर साइन करेंगे कर देंगे दोस्तों। तो यही सब चीज़ होता है, ऐसे करके म्यूजिक सर्टिफिकेट बनते हैं, ठीक ना। और हो सकता है तो आप लोग को मतलब कि डिजिटल होंगे तो वहाँ पर बार कोड भी हो सकता है, तो वो स्कैन करके भी पता कर सकते हैं कि ओरिजिनल है कि फेक है। तो आप लोग का म्यूजिक का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, उसका क्या होता है, वेरीफिकेशन होता है। अगर म्यूजिक का सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाए, ठीक ना, वेरीफाई हो जाता है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं होता तो क्या होते हैं दोस्तों, फेक होते हैं। तो सबसे पहले कि जो भी लीजिएगा संस्थान से, वो संस्थान वेरीफाई होनी चाहिए, मतलब कि रजिस्टर होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, तब जाके आप लोग उस मतलब कि उसी संस्थान से जाके आप लोग सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। सर्टिफिकेट बनवाने के ही है, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। जो सीख रहे हैं शुरू से ही, जो म्यूजिक ले रखे हैं, ठीक ना, शुरू से ही, और उनके पास म्यूजिक का सर्टिफिकेट हो, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, दूसरा किसी के बस की बात नहीं है, ठीक। और इसके साथ साथ तो आप लोग सर्टिफिकेट बनवा के भी क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, आपके पास म्यूजिक का नॉलेज होगा ही नहीं। आई होप कि सर्टिफिकेट कैसे बनता है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, कैसे बनेगा दोस्तों फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ एक बार, आप लोग समझना, आप लोग अपने
अपने नज़दीकी जो अभी म्यूज़िक एकेडमी होगा वहाँ पे जाके बात कीजिएगा। आप लोग से पैसा लेगा लेकिन फेक मत बनवा लेना, फेक भी बना देते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले वहाँ पर ध्यान देना है कि आप लोग ऐसे करना कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उनका होना चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए इंडिया के द्वारा, ठीक है ना, सरकार के द्वारा। उसके बाद कोई वो सर्टिफिकेट दो, तो वो सर्टिफिकेट क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन चेक करने के बाद वो वेरीफाई हो जाए, ऐसा सर्टिफिकेट उसके ऑनलाइन चेक करने के बाद वेरीफाई हो जाना चाहिए। या नेवी ऑफलाइन चेक करेगा तो ऑफलाइन में जब वेरीफाई के लिए उनको फोन करे या कुछ भी करे तो उनके पास क्या होना चाहिए, ये फोन करे तो वेरीफाई हो जाना चाहिए। तो ऐसा एकेडमी से आप लोगों को सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है ना। बाकी बात कोई नहीं बनाएगा, दूसरे आप दोगे पैसा लूट लेगा और कुछ भी नहीं, और ऑनलाइन वाला पे तो भरोसा ही मत करना सबसे पहला, ठीक है। बाकी बात जो भी चीज़ का सर्टिफिकेट बनवा रहे हो आप लोग उसको प्ले करना, आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए, प्ले करोगे तभी ट्रायल पास होगे, ट्रायल पास हो जाओगे उसके बाद आप लोग का PFT होगा, PFT पास कर जाओगे बस आप लोग का जॉब हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, क्योंकि बहुत कम बंदे के पास सर्टिफिकेट होते हैं ना, तो इसीलिए, ठीक है ना। तो आई होप कि जो भी सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्या पूरा डिटेल में हम आप लोगों को बता दिए। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नेवी MR की क्लास प्रॉपर तरीके से चल रही है, आप लोग भी आके क्लास को कर सकते हो दोस्तों, ठीक ना। SG Study टेलीग्राम चैनल का नाम है, या लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ दोस्तों। आप लोग का जो भी डाउट था मैंने इस वीडियो में अच्छे तरीके से कर दी कि सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं, ठीक। तो आप लोग जाके आप लोग सर्टिफिकेट बनवाने के साथ साथ सीखना भी, ठीक है ना, तब जाके आप लोग ट्रायल पास होगा, ठीक। मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।